सुबह के 5:12 हो रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं राइड पे। कौन से? विंटर स्पीति। तो अगर सामान की बात करें तो इस वाले पैनियर में जितने भी कपड़े हैं वो सारे हैं। इसमें शूज है, इस वाले में जितने भी गैजेट्स का सामान है वो है, इसमें भी गैजेट्स के जितने भी चार्जर वगैरह ये हैं जो कि पैनल्स के ऊपर लगने वाला है, ये भी पैनल्स के ऊपर है। पावर एंड चार्जर से पैर, ये जो है टूल किट मेरा और राइडिंग जैकेट यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस वाले बैग में बस एक मेरा जैकेट है जो कि बहुत भारी है, तो इसलिए इसको प्रॉपर बैग में रखा है। और ये मेरा टैग बैग और ये मेरा टेल बैग। टेल बैग में बहुत ही मिसलेनियस सामान है जिसको अभी लोड करने वाले गाड़ी में। और ये कुछ कवर्स लाइनर वगैरह हैं और ये मेरे सीट हैं एयर सस्पेंशन वाले, बाकी सब बढ़िया। मच्छर बहुत है। चीज़ कुछ ऐसे है कि ये मेरा वाइजर है, ये वाइजर एक्सटेंडेड है, ये मैंने पार्सल के वक्त खोल दिया था, इसको फटाफट लगाते हैं। यहाँ के मच्छर मतलब मानो आपको जिंदा मार दें ऐसे मच्छर। वाइजर जो है बहुत अच्छे तरीके से फिट हो चुका है बहुत सारे खून बलिदान देने के बाद। यहाँ के जो मच्छर है ना मतलब ऐसे हैं कि मुझे जिंदा ही उठा के ले जाए। अभी फटाफट करते हैं चैन लियो। अभी जो है सुबह के 5:12 हो रहे हैं और हमने बहुत भारी जंग लड़के जो है चैन क्लीन कर लिया है। चैन लियो करना थोड़ा बाकी है तो उसको थोड़ा सा रोशनी आ जाए, उसके बाद ये जो मच्छर हैं जो अटैक कर रहे हैं तो वो चले जाएंगे। उसके बाद फिर अपन सामान वगैरह जो है लोड वगैरह कर लेंगे। हमारे साथ 2 लोग जा रहे हैं जो कि अभी उसे होटल में रुके हैं। और आज का हमारा कुछ एम है कि दोपहर की धूप से पहले हम चंडीगढ़ क्रॉस कर जाना है। कहाँ जा रहे हैं वो आपको ब्लॉक के बीच में पता चल जाएगा। अभी जैकेट डाल के फटाफट जो है निकल जाएंगे, बाकी सब बढ़िया। अभी मच्छर के जाने का जो है वेट किया जा रहा है बस, और कुछ तो लगे जो है माउंट हो चुका है, बाकी सब कुछ डन है जी। बस चैन ल्यूब करना है, वो निकलते वक्त ल्यूब कर लेंगे अपन, बस इसमें सीट लगाने हैं। अभी चांडी भैया आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। अभी इनकी बाइक को ल्यूब करना है, क्लीन और ल्यूब करना है बेसिकली। और निखिल भी आ चुका है। एक्चुअली जावा 42 में ये डबल स्टैंड नहीं है तो अपने को थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, इस साइड स्टैंड से आपको टिल्ट करना है ना, साइड चैन भी है। सो बाइक्स पूरी लोड हो चुकी है सबकी बाइक। हम लोग जो है पूरी तरीके से रेडी हैं रोल अप करने के लिए, थ्रॉटल अप करने। फर्स्ट स्टॉप जो होता है फ्यूलिंग स्टॉप होने वाला जो नॉर्मल होता है बेसिकली। सो अभी क्या है कि अभी के कुछ घंटे 1-2 जो राइड होने वाला है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अभी क्या है कि उतना हार्ड सनलाइट नहीं आ रहा है तो अभी हल्का ठंड भी है और हल्की हवा अच्छी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है तो मज़ा आने वाला है। लेकिन 1-2 के बाद वाली राइड जो होने वाली है बहुत तगड़ी होने वाली है, बहुत खतरनाक होने वाली है। और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग बिफोर 10 or 11 AM हम लोग चंडीगढ़ क्रॉस कर जाए, नहीं तो क्या होता ना कि आप जब हार्ड सनलाइट में अगर आप चलाते हो ना बाइक को तो बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बार बार रुकना पड़ता है पानी पीने के लिए। तो वो भी एक सीन है। और सबसे बड़ा सीन मेरे साथ ये है कि मैंने आज तक कभी भी टेल बैग के साथ कभी भी बाइक को टूरिंग के लिए नहीं लेके गया। तो वो भी एक सीन है कि हमें एक रिस्ट्रिक्टेड स्पीड विच विल बी अराउंड 80-100 km/h उसी स्पीड पे अपन चलाएंगे, क्योंकि बाइक काफ़ी ज़्यादा लोडेड है तो वो भी एक एक्सपीरियंस करना है। लेकिन अभी तक तो बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रही है, बाकी सब बढ़िया है। प्यास अभी लग नहीं रही है, भूख भी नहीं लग रही, क्योंकि एक्साइटमेंट से जो है ना हम लोग भरे हुए हैं। क्या हालचाल? और मुझे अभी फील हो रहा है कि पीछे जितना लगेज है उसके हिसाब से जैसे हम रेव कर रहे हैं या फिर 80 के जैसे क्रॉस कर रहे हैं तो मुझे आगे की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हो रहा है, पीछे की तरफ ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। ये हाईवे पे मुझे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें एक और काम था जो पंक्चर फिक्सर होता है उसको भी डलवाने का, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। हालाँकि मैंने सारे पंक्चर टूल किट वगैरह सब कुछ रख लिया है, अब लेट्स सी, बट टाइम टू टाइम एयर प्रेशर जो है वो चेक करते रहेंगे हम। द राइड इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि हमें जो है 2 लग गए सिटी से मतलब न्यू दिल्ली से निकलने में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्योंकि क्या होता ना सिटी ट्रैफिक में कहाँ कौन सा कट है पता नहीं चलता, और सड़क पर GPS था बट फिर भी हमें हम रुक रहे, कभी निकल रुक रहे, कभी सैनी पर रुक रहे, तो उस वजह से दिक्कत हो जा रही थी। और बाकी जो हमें 10-15 और लगने वाला है करनाल पहुँचने में, करनाल पहुँच में हम लोग प्रॉपर एक ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। और बाकी गर्मी का लेवल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और एक्साइटमेंट लेवल भी ऊपर जा रही है, एक्साइटमेंट और ज़्यादा आपको दिखेगी। बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मतलब हमारी जो रिफ्यूलिंग है वो हो जाए, उसके बाद आपको भी जो है
वो एक्साइटमेंट हमारी दिखेगी। अभी ये दोनों यहाँ पे खड़े हैं। क्या होता है ना कि बहुत दिनों बाद आप राइड करते हो तो थोड़ा सा ना कंफर्ट लेवल जो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। राइड डिस्कंटिन्यू करोगे तो दिक्कत आने वाली है, प्रॉपर दिक्कत आने वाली है, बैठने में, ग्लव्स पहनने में, वो सब चीज़ें, गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आएगी जो हमें अभी फेस करनी पड़ी। लेकिन सब कुछ अभी तक सही है, बस गर्मी के अलावा। निखिल जो है ब्लॉग करने की कोशिश की कर रहा है बट मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा ब्लॉगिंग इससे। अभी आपने जो किया है आलू पराठा किया है, चाय किया है, और निखिल जो है छोले भटूरे खा रहा है एज यूजुअल हेल्दी फूड। इसके लिए डाइजीन भी ले लिया गया है ताकि एसिडिटी ना बने रास्ते में। बाकी सैंडी भी अपनी वाइफ को कॉल आकर कह रहे हैं कि हम सेफली पहुँच गए, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी। हेलो माय लव, पहुँच गए हैं, तो हम कहेंगे एक और तुमको खिलाएंगे। और हमारा पराठा जो है आ चुका है। और सैंडी भैया कैसा लगा बाथरूम यहाँ का? सो बाइक जो है यहाँ पे पार्क्ड है। क्या होता है ना कि गर्मी में आप चलाते हो तो थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो जाता बॉडी, इसके वजह से आपको पानी पीने के लिए रुकना पड़ता है, मतलब मल्टीपल ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सा स्ट्रेच हमने लंबा किया था, क्योंकि मुर्था से अप्रॉक्स हम लोग 80 किलोमीटर आ चुके हैं और विद इन वन आवर, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेच था ये। तो फाइनली जो है हम लोग अम्बाला पहुँच चुके हैं और अम्बाला का ये काफ़ी फेमस बोर्ड है और निखिल का आने का वेट किया जा रहा है। सैंडी भाई भी बहुत पीछे है और यहाँ से आई गेस मुझे लगता है कि 200 के अराउंड शिमला होने वाला। शिमला इज लेफ्ट एंड लुधियाना और पंजाब वगैरह सब राइट में और चंडीगढ़ भी लेफ्ट में। अब धीरे धीरे मज़ा आ रहा है क्योंकि खाली रोड मिल रहे हैं, हाईवेज वगैरह पे काफ़ी लंबे स्ट्रेच हो जा रहे हैं। ये ब्लॉगर एंड स्ट्रीट आ गए। वहाँ चुट्टियाँ कहाँ गई? चुट्टियाँ रख लिए हो? सब नज़र लगा रहा था। नज़र लगा रहा था। और सैंडी भाई कैसा लग रहा है राइड करके? हेलो भाई, गर्मी लग रहा है। वहाँ से भाई बोली क्या लग रहा है? अभी एक एक नारियल पानी पीते हैं कि दिमाग और शरीर दोनों ठंडा रहे। मज़ा आ रहा होगा, ठंडा लगने लगा, ठंडा लगने लगा। सो अभी जो है सारे राइडिंग गियर्स वगैरह इधर रखा गया है और बाइक्स यहाँ पे है। हमारा जो है वेज बिरयानी है, मोइटो है, ये चिकन वाला पार्टी है, भैया भी वेज वाले पार्टी है। वाइफ को कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आज ये खा रहे हैं बहुत टाइम बाद, ये सीन्स है अभी के। और निखिल के लिए वॉशरूम जस्ट पीछे है, वो भी अच्छी बात है। वाओ, मतलब इतनी मशक्कत करने के बाद हमें दूर दूर से ये कैमरा में समझ में नहीं आएगा, दूर में पहाड़ फेडेड दिख रहे हैं अभी, मतलब फाइनली वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स माउंटेन्स। अच्छी फीलिंग आ रही है अभी, सुबह के थकान के बाद पहाड़ को देख के ना अलग से सुकून मिलता है। और यहाँ से शिमला जो है करीबन 95 किलोमीटर है। हम तो फ्यूल अप हो गए लेकिन बाइक को भी फ्यूलिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि ऑलमोस्ट 79 किलोमीटर चल चुके हैं और इसका जो रिजर्व में जो लिमिट होता है वो अप्रॉक्स 9200 होता है। 9:30 बजे तक हम लोग शिमला हिट करेंगे जो कि हम लोग शेड्यूल से 4 से 5 घंटा लेट चल रहे हैं। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो पहाड़ है। फुल कर दो भैया, 103 रुपये लीटर है। कैसा लग रहा पहाड़ को देख के? झूले झूले, एनर्जी आ गया है। लुक एट द व्यू, अब से हो गए नज़ारे शुरू। और धीरे धीरे क्या है कि हवा में जो है वो ठंडापन आने लगा है। एक्चुअली बहुत समय के बाद जो है ये पहाड़ देखने का मौका मिल रहा है, लिटरली मतलब मज़ा सा आ रहा है। ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ पे हरियाणा ख़त्म हिमाचल प्रदेश स्टार्ट। शिमला इज 89 किलोमीटर। अगर दिन में होते तो ड्रोन शॉट्स काफ़ी बेहतरीन आए होते हैं। नज़ारे और जो रास्ते हैं वो काफ़ी शानदार है। बट मेक श्योर आप कॉर्नर पे ज़्यादा गाड़ी को लीन मत करना, नहीं तो आपको पता नहीं था गड्ढा क्या है, क्या स्लिपरी रोड है, कुछ नहीं आपको आइडिया होता है। तो उतना ही आप लीन करो कॉर्नर्स पे जितना आप मैनेज कर पाओ। ताकि ये देखो कितनी खूबसूरत जो है पेंटिंग्स वगैरह इन्होंने बना के रखी है, लाजवाब, अति सुंदर। अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग होटल से 1 घंटे के आसपास दूरी पे हैं। अभी देख रहे हो आप कि आसपास सारे दुकान खुले हुए हैं और कोई छोटे मोटे शॉप नहीं है यहाँ पे, सारे नामी अच्छे शॉप्स हैं। बरिस्टा भी यहाँ पे है, कॉफ़ी शॉप, कैफेज़ एंड शिमला में बेसिकली कैफेज़ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ये तो हमने सुना ही है। लास्ट टाइम हम आए थे तो ज़्यादा रात हो गया था, उसकी वजह से ज़्यादा शॉप देख नहीं पाए, लेकिन अभी देख रहे हैं। तो अगर आप 8 बजे के अराउंड अगर शिमला इंटर कर रहे हो तो आपको काफ़ी शॉप जो होंगे वो ओपन मिलेंगे। बट मेक श्योर कि आप होटल वगैरह जो है
शिमला से थोड़ा पहले करो या शिमला के थोड़ा बाद करो, क्योंकि होटल का सीन शिमला में ऐसा कुछ है कि पार्किंग आपको दिक्कत बहुत होने वाली है। अगर आप बाइक से आ रहे हो शिमला तो कार का तो सही है बॉस, मतलब आप पब्लिक पार्किंग में लगा के लॉक करके चले जाओ, जब तक आंखों के सामने बाइक ना हो तब तक दिल को जो है तसल्ली नहीं मिलती है। बाइक जो है वहाँ पे पार्क कर रखी है और निखिल और सैंडी भैया जो है अभी पीछे हैं कुछ काम कर रहे हैं, तब तक अपन ने सोचा कि चाय पी लिया जाए, क्योंकि चाय की चुस्की जो होती है वो ज़रूरी होती है। और शिमला के रोड काफ़ी सही हैं, मतलब फोर लेन रोड कर रखा है इन्होंने, मतलब यूजुअली क्या होता है कि माउंटेन वगैरह में सिंगल लेन रोड होता है या फिर डबल लेन रोड होता है, लेकिन यहाँ पे जो है फोर लेन रोड कर रखा है और काफ़ी प्लेन रोड है, मतलब उतने गड्ढे उड्ढे नहीं है, काफ़ी सही है। और रात के लिए हमें यही चाहिए, क्योंकि बाइक से मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है शिमला का, तो रोड नया है मेरे लिए, तो समझ संभल के चलेंगे अपन। ठंडी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और ठंडी बढ़ जाएगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि लाइनर निकालना पड़ेगा हमको। तो अभी के अपडेट कुछ ऐसे हैं कि 9:45 हो चुके हैं और 20 से 25 मिनट में हम लोग होटल पे होंगे और सैंडी भी फुल तैयार हैं सोने के लिए और निखिल जो है ग्रोसरी का सामान खरीद के आ रहा है। ओह तो यहाँ पे जो है बाइक जो है पार्क हो रखी है, ये मेरी, निखिल की और सैंडी भैया की वहाँ पे, तो उस बाइक को भी लगेज उतार के यहाँ पे एकोमोडेट कर लेंगे और होटल जो है यहाँ पे। और यहाँ पे कहते हैं कि लगेज को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कैमरे लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ कैमरे लगे हुए हैं बट कैमरे लगे हुए। कैमरा से ये दिखेगा कि लगेज ले कौन गया है। हाँ, ले कौन गया, वापस नहीं आएगा। वो आएगा, आधार कार्ड दिखाएगा, एड्रेस दिखाएगा, बायोमेट्रिक साइन देगा, उसके बाद लगेज उठाएगा कि पैन नंबर देके जाएगा इनकम टैक्स भरने के लिए। आधार कार्ड चेक, पैन कार्ड चेक, बायोमेट्रिक चेक, अब चलो दिखता है। ये स्टेयर्स है, ये एक रूम है, दो वॉशरूम है, एक बाथिंग रूम है, एक जो रूम है वो ये है यहाँ पे, और चिड़िया का घर भी है यहाँ पे, और एक जो रूम है वो ये है। तो तीनों रूम बेसिकली हमारा है और ये फ्रंट का एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे स्टिकर लगने वाला है। बाकी रूम की जो कॉस्टिंग पड़ी है वो 1500 रुपए इन्होंने लिया चार्ज, ब्रेकफास्ट इसमें की इंक्लूडेड है। और अभी क्या है कि रूम के जस्ट नीचे बगल में ढाबा है जो 24/7 खुला रहता है, और सुबह को अर्ली मॉर्निंग हमारा कुछ प्लान है जो कि आपको अगले ब्लॉग में पता चलने वाला है, लेकिन कल सुबह का जो नजारे है आपको इसी ब्लॉग में देखने वाला है। आलू ले लो, प्याज ले लो, लोगे? हाँ, होम स्टे का फायदा ही है। हाँ, 500 रुपए पर पर्सन। हाँ, विदाई के टाइम 2.5 किलो प्याज। चलिए सानी भैया, गुड नाइट। ए राजू, गाना गाने करे बाबा, गाने करे बाबा, सुबह सुबह गाना गाना है, क्योंकि बाथरूम का गेट जो लगता नहीं है तो जिसको गाना नहीं आता वो सीख ले, नहीं तो सो वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे एक ढाबा है। ये ढाबा ऑलमोस्ट पूरी रात खुली रहती है, तो यहाँ पे अपन डिनर जो है कर लिए हैं। बाकी जो यहाँ पे ठंड है, एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी कम ठंड होगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी हवा तो चल रहा है। अभी फटाक से जो है होटल जाते हैं, सोने का बहुत ज़्यादा मन। सो गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग के साथ हमारा एक देखो मिस्टर पी के ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आपको पता है इन पहाड़ों में इंस्टाग्राम सबसे कीमती चीज़ क्या है? क्या है? हमारा बिताया हुआ कल, वो एंजॉयमेंट, वो मस्ती दोबारा नहीं आने वाला। क्योंकि कल हम लोग रास्ते से आ रहे थे, मुरथल रुके, हमें निशान भी और रितिक की याद आ रहा था। क्योंकि एक होता है आपको घर जाने के बाद याद रहे चाहे नहीं रहे, बट आप उन रास्ते पर दोबारा आओगे तो आपको पुराने दोस्त, पुराने यार, पुराने मंजिल, पुराने हंसी मजाक सब कुछ याद आने वाले हैं। इसलिए आज खुल के जियो ना यार, पता नहीं कल कहाँ रहे हम लोग। बिगिन स्थिति यस, जो है डायरेक्ट हम दिल्ली में आपसे मिलेंगे, बाथरूम घुसने नहीं वाला, पानी और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन सही में डरावना लग रहा है थोड़ा सा ना, थोड़ा सा
बाकी क्या मेकअप करें क्या? और जितना भी सामान जो बिखरा पड़ा है इसको सबको फिर से उसी तरीके से पैक करना है। और होता ये है ना कि आप एक बार कभी भी पैकिंग कर लेते हो तो उतना ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती, क्योंकि आपको पता था सामान कैसे पैक करना और कहाँ कहाँ कौन कौन सामान रखना है, तो उसी तरीके से पैकिंग थोड़ा सा इजी हो जाता है। होम स्टे के बारे में बताऊँ तो होम स्टे काफी अच्छा है। डिस्क्रिप्शन में हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप राइडर हो तो आपको डिस्काउंट देंगे वो, क्योंकि वो खुद एक राइडर है और राइडर को ज्यादा प्रेफर करते हैं वो इस होम। तो अभी जो है फाइल ट्रांसफर हो जा रहा है। मोस्ट ऑफ द वीडियो जो है मैंने आईफोन से शूट किया था, तो मेरे लिए इजी हो जाता है एयर ड्रॉप करना। ये जो केस है, ये कवर है, ये मैंने लिया था ऑनलाइन और काफ़ी ऑर्गेनाइज रखता है ये आपके केबल्स वगैरह को, तो काफ़ी अच्छा है। इधर जितने भी ड्रोन वोन का सामान हो गए और इधर जितने भी वायर वगैरह चार्जर वगैरह जितने भी है सारे इसमें आ जाते हैं और काफ़ी सही है। ये भी पैनियर्स के ऊपर था तो इसमें जो है शूज़ वगैरह आ जाते हैं, और ये वाटर प्रूफ भी है तो काफ़ी अच्छा है और सस्ता में दिया। और ये नेट वगैरह उसको बांधने के लिए। भैया हम लोग से दुश्मन नहीं था क्या? बटन हम लोग को भी मार दीजिए थोड़ा। और हमारा जो आज का डेस्टिनेशन होने वाला है वो आपको कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही अच्छे जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे बर्फ मिलेगी, एक्चुअल बर्फ मिलेगा, और निखिल उस पर लेट लेट के रील्स बनाएगा। जगह का नाम जो है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस जो है वो गेम हम लोग खेल सकते हैं। कोई सस्पेंस नहीं है, हमको पता नहीं कि नारकंडा तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, वहाँ से डिसाइड करने वाले कि बर्फ कहाँ है। जहाँ बर्फ मिलेगा वहाँ लेट जाना है, वहाँ पे रुक जाना है और नाइट स्टे करना है, फिर सुबह उठ के फिर उस जगह का एक्सप्लोर करेंगे। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सीन्स अच्छे लगेंगे और हमारे जो साथ के जो कॉन्वर्सेशन है वो अच्छे लगे होंगे, तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा उमदा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, जो कि अभी कुछ मिनट बाद स्टार्ट होने वाला है।